बड़ा फैन मैं उस, उस उनसे मिलने के दो तीन घंटे बाद तक -टी -टी में fact, तक भी भी क्योंकि है पता 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 नहीं नहीं पता नहीं ये प्लेलिस्ट में होगा जब प्रीमियर के वक्त मुझे था और ना बताया वैसे नहीं बता था कि रखा ही है गाना मुझे कर क्या रही है तो जिंदगी में जाग जा हाय कल्पना आपने गाने से तो दिल जीत लिया है लिटरली हर जगह आपके गाने की चर्चा हो रही है। क्या कहना आपको की अच्छा गाना हो चुका है वायरल वायरल जब सबके फोन आने लग थे कि कितना अच्छा गाया है और फ्रेंड पे है तुम्हारा गाना मुझे तो पता भी नहीं मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पर भी बहुत ही कम एक्टिव रहती हूँ तो मुझे जब लोगों से पता चला और लोग हर दूसरी रील मैं भी जब स्क्रॉल कर रही थी तो हाँ। मुझे दिखाई दी तो फिर तब मुझे लगा कि हाँ एक्चुअल में लोग पसंद कर रहे हैं इसको कोई मैसेज या कोई कॉम्प्लीमेंट्स आपके दिल के बहुत करीब है जो अभी इस गाने के लिए आया हाँ एक फ़ैन ने बोला था कि ये आवाज हमें रिग्रेट है कि ये अब तक क्यों नहीं सुनाई दी और अब ये सुनाई दिए तो अब हम चाहते हैं कि बस आप गाते ही रहें और हम सुनते ही रहें ऐसी ऐसी बातें बड़ी, बड़ी करती हैं आपको इंडस्ट्री से कोई आया मैसेज हाँ जी काफी काफी अपने, हमारे क्लोज फ्रेंड्स और इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर सबके कॉल कितने ऑफर्स कर लिए <laughs> <laughs> बड़ा अच्छा सवाल है काफी काफी कर किए हैं बट मैं बस आई एम लाइक फिंगर्स क्रॉस हैं और hmm. चाह कि बस जल्दी से वो बाहर आए हाँ तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि ये हुआ कैसे आप आप तक आया कैसे संजय लीला भंसाली की आंखें कैसे पड़ी आप तक हाँ कि यही वो सिंगर है जिसे लेना है मुझे अपने गाने पे जी वो ऐसी किसी आवाज़ की तलाश में ज़रूर होंगे जी ना कि उनको आलम ज़ेब के ऊपर क्योंकि आलम जेब, उपर, आ, आलम जेब आ, आपने जो शारमिन को सुना हो तो उनकी आवाज़ मोटी है है हाँ। ना तो उस तरह की आवाज़ वो ढूंढ ही रहे होंगे और आ, मैं कहीं पर गा रही थी हमारी महफिल जो होती है यूज म्यूज़िकल महफिल वहाँ पर गा रही थी और आ, मेरे भाई ने आ, मतलब स्टोरी डालते ना इंस्टाग्राम पर तो हाँ। उस तरह से स्टोरी उन्होंने डाली होगी और आ, उन्हीं के टीम में से Uh, किसी ने सुनी उन्होंने फॉरवर्ड की फिर उन्होंने सर ने मेरे और भी वीडियोस देखे ऐसा मैंने सुना बाद में हाँ. तो फिर उन्होंने ऑफिस बुलाया था ऑफिस हाँ. बुलाया और हम ऐसे बैठकर तो पाँच सात आठ गजलें उन्होंने सुनी और क्या गाती हो बेगम अख्तर उन्होंने पूरी तरह से यू you नो know, समझा कि ये गाना गाने की, like uh, की हाँ नहीं? जी ये अप्रोपरीट वॉइस वॉइस है कि नहीं या कैसा उनको हाँ जी तो क्योंकि उनके दिमाग में वो डायरेक्टर उनके दिमाग में पूरी पूरी हीरा मंडी चल रही थी उस वक्त चल चली रहे ऑफ कोर्स तो वो पूरी डिटेलिंग में उन्होंने मुझे और अच्छे कितने से, साल पहले था ये ये करीबन तकरीबन डेढ़ साल हो गया इस बात डेढ़ साल को, पहले मैंने रिकॉर्ड किया तो फिर उन्होंने मुझे गाना दिया और इसी तरह से ये जर्नी शुरू हुई उसी दिन जिस दिन उन्होंने मुझे सुना फिर उन्होंने मुझे गाना दिया और एक सबसे अच्छी बड़ी बात उन्होंने मुझसे बोली कि तुम्हारी आवाज़ अलग है और बहुत अच्छी आवाज़ है तो नूर जहाँ जी और ये तो अब इस दुनिया में है नहीं और इनके लिए कुछ हो नहीं पाया बट मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ कुछ कर सकता हूँ तो वो ही ही सैड दैट और वो वहीं पर मुझे ऐसा लगा कि आ, मैं ये सच है या सपना है

पूरा आ, क्या कहते हैं उसको आ, वो मास्टर बनाने के उसमें होते पैशनेट इतने होते हैं हर चीज़ एकदम डिटेलिंग में और परफेक्शनिस्ट हैं वो पूरी तरह से और जब ये आपको मिल गया वॉज किसको बताया मैंने अपने भाई को बताया वो मेरे बहुत क्लोज हैं पृथ्वी भैया वो भी ही इज अ सिंगर फ्रॉम द इंडस्ट्री ओके सो मैंने उनको बताया सबसे पहले और क्या रिएक्शन था सबका वो घर आए मुझसे मिलने मतलब तुरंत एक घंटे बाद मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करके आई हूँ और फिर वो घर आए कैसा रहा क्या बात हुई क्या नहीं हुआ तो और इनफैक्ट मैं उनसे मिलकर आई थी तभी भी मैंने उनको उनको बताया था कि ऐसा हुआ है आज आज मैं उनसे मिली हूँ तो ये किसी भी सिंगर किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये एक सपने जैसा ही है संजय लीला भंसाली उनके जैसा इतना ग्रैंड ग्रैंड जो वो पूरा माहौल क्रिएट करते हैं सब मुझे नहीं लगता कोई इस, द यू नो राइट जी कई बार क्या होता है कई सिंगर्स का टेस्ट ले लिया जाता है उसको बाद में पता चलता है कि उसके गाने सेलेक्ट हो गए बट आपके केस में ऐसा था कि आप गई थी आपने रिकॉर्ड किया और वहीं पे आप सेलेक्ट भी हो गई नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ था ऐसा नहीं हुआ था मैंने गाया था और अपने तरफ से 100% दिया जी और फिर कुछ 6 8 महीने बाद मुझे फिर बुलाया गया ये कुछ करेक्शंस हैं कुछ गाना पड़ेगा फिर फिर इन दिनों भी मुझे नहीं पता कि वो गाना रखेंगे नहीं रखेंगे मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल थे कि रखेंगे या नहीं रखेंगे इनफैक्ट आखिरी जब प्रेमियर के वक्त तक भी मुझे पता नहीं।, नहीं पता था और ना ना ही बताया वैसे नहीं बता था कि रखा ही है गाना तो यू you नो know, हाँ। <laughs> वो एक क्योरेसिटी <curiosity> बरकरार थी <laughs> तो फिर जब आप गई तो आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा ही आवाज़ है हाँ जी मैं आ, आ, मैं ये बताना चाहूँ कि प्रीमियर पे मैं नहीं जा सकी क्योंकि आई 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 वाज 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 इन इन ट्रैवलिंग एंड जैन और एकदम लास्ट मिनट पे मुझे पता चला था और मैं गिर गई थी तो आई आई मतलब वॉक तो उस वजह से okay. मैं प्रीमियर अटेंड नहीं कर पाई मेरी एक कॉमन फ्रेंड हमारी फ्रेंड है उन्होंने बताया कि तुम्हारी आवाज़ सुनी मैंने और पहली दो जो सीजन बताए थे उसमें हाँ, हाँ, पहली दो सीजन में जी तुम तुम्ही मैंने कहा पक्का मैं गा रही हूँ ही गा रही हो तब जाके मुझे लगा कि ओ गॉड

चलन काटने के लिए तैयार तो है हम, हाँ, लगा कुछ ऐसे <laughs> <इस> तो <रिम्दारे। laughs> so, उसको ऐसी मुं, मुंबई पुलिस बिंग मुंबई पुलिस हाँ। एकदम क्रिएटिव है भाई मुंबई पुलिस हाँ। भी देखो आप कई लोग कैसे कैसे रील्स और ये भेज रहे हैं आपको जी कुछ भेज रहे हैं भेज रहे हैं बहुत सारे मतलब इतना इतना ग्रैंड तरीके से भी कोई बहुत बहुत रील्स ऐसी देखी है मैंने कि इतने बड़े बड़े सेट पर वो शूट कर रहे हैं और कुछ मीम्स बन रहे हैं कुछ कॉमेडी हो रही है <laughs> अच्छा लग रहा है आपके अलावा और कौन कौन था इस गाने के लिए जिसने दिया था टेस्ट इस कोई आइडिया नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है बट मुझे इतना पता है कि सिंगर्स थे जिन्होंने गाया था बट आपका ये जब सेलेक्ट हो गया व्हाट इज वैमिली तो रिएक्शन मतलब मॉम डैड क्या कह रहे गया मोर देन हैप्पी मतलब इसी दिन के लिए तो हर माँ बाप यू नो उनका सपना ही होता है कि आपके बच्चे कुछ अच्छा करें और उनकी दुआएं हैं मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर की और उनकी दुआएं जी ये सब हुआ है पहला गाना था ना बंसाली भंसाली उनके साथ पहला गाना था जी और बॉलीवुड में डेब्यू मैंने ओल्ड स्कूल गर्ल जी बट ये एक गाना हीरा मंडी का जो पर्टिकुलर गाना जी, है जी। ये आपके जर्नी को कितनी अपलिफ्ट कर दी आज के डेट में बहुत हद तक क्योंकि इस गाने से जितनी रिकग्नेशन मिल रही है उतनी मुझे उतना नहीं पहले मिला मिला था ऑफकोर्स लोगों को पसंद है वो गाना दत्तो कैरेक्टर बहुत सुपर हिट कैरेक्टर और गाना भी बहुत लोगों को पसंद आया था hmm. लेकिन आई uh, थिंक ये एक बार देख लीजिए पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस को कैसे देखती हैं आप सक्सेस uh, को बस अब जो जी रही हूँ मैं वो सक्सेस ही लग रहा है मुझे yeah. और और अभी तो इट्स लाइक यू नो शुरुआत हुई है तो uh, क्योंकि आप म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग कर हैं तो कभी कभी uh, कभी आपको रिजेक्शन फेस फेस हुआ है कभी आपने रिजेक्शन फेस किया है इस फील्ड में uh, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि yeah. आप म्यूजिकल बैकग्राउंड से हो तो yeah. आपको एक चांस तो बहुत आसानी से मिल जाता है चांसेस yeah. बट yeah. इसके बाद आने के बाद उनको भी रिजेक्शन का रिजेक्शन फेस करना पड़ता है तो कभी आपके साथ yeah. कुछ ऐसा हुआ है लकीली नहीं हुआ ऐसा कि रिजेक्शन नहीं हुआ है आई थिंक द यूनिवर्स इज विथ मी ऑल द टाइम आई आई फील दिस लाइक दिस स्ट्रॉगली ये फील करती हूँ uh, क्योंकि जहाँ भी गई हूँ ईश्वर uh, ने वो uh, मतलब हुआ है ऐसा कि मैं गाना फाइनल हो गया है और बस रिजेक्शन अब तक नहीं हुआ है और बट आई डोंट माइंड कि uh, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई गाना uh, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर का कॉल होता है डायरेक्टर का कॉल होता है ठीक है आप लता जी की बहुत बड़ी फैन जी जी बहुत बड़ी फैन रही हैं अब कई इंटरव्यूज में आपने बोला भी है ये तो एज ए इंस्पिरेशन देखती थी उनको हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कौन से कौन से गाने आपको पसंद थे उनके बहुत ज़्यादा बहुत सारे गाने हैं और बहुत लंबी लिस्ट है <laughs> मदन मोहन साहब के जो गाने हैं <laughs> बहुत सारे जैसे कि नैना नैनाबर से और बहुत सारे मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है बहुत सारे इस तरह के क्लासिक सॉन्ग्स हैं

फास्ट है स्लो है अबीट है तो उस हिसाब से वो जगहें होती है उस पर उनको काम करना पड़ता है राइट right. जी क्लासिकल गाने जो आपने अभी गाए हैं वो मैं मैं पूछना चाहूंगी जो उसका चलन है जी. वो काफ़ी कम हो गया है पहले से और एक दो आ जाती है ऐसा क्या uh -huh, क्या रीज़न है इसके पीछे इसके पीछे ये क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे यू नो लव लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग hmm. क्या रोज़मर्रा जिंदगी में जो यू you नो know, काम आने वाले और इस तरह के गाने ज़्यादातर सुनते हैं लोग और क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस क्रीम ऑडियंस बहुत कम है और बट ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते या उन तक नहीं पहुंचता अब जैसे कि दौर बदल रहा है आई एम सो हैप्पी कि दौर बदल रहा है गज़लें आ रही हैं बॉलीवुड का हिस्सा बन रही हैं जैसे फिर ले आए दिल आई थी right. रेखा भारद्वज जी ने बहुत सारी right. right. इस तरह के गाने ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से लुत्प ही हो गया है ना चल कुछ ना कुछ बहुत सुरीला आता है और जिस तरह से संजय सर संजय लीला बंसाली ने म्यूज़िक का एक वो बरकरार रखा है माहौल फॉर uh, एग्ज़ाम्पल आयत आप देख लीजिए राग बेस्ड है लाल इश्क ये इस तरह के गाने उफ़ उफ। तो ये ये उफ इसीलिए आता है क्योंकि ये रागों पर बनाए हुए गाने हैं और इनका एक असर ही अलग अलग है, बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरह से

दे स्टार्टेड ट्रोलिंग सिंगर्स कि ऑटो ऑटो ट्यून ट्यून यूज़ यूज़ करती हैं ये करता है तो उस पर आपकी देखिए ऑटो ट्यून के खिलाफ नहीं हूँ मैं इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि अब जमाना वैसा बन गया है अब तो ऑटो ट्यून से भी आगे ए आ गया है है ना तो बहुत चीजें बदल गई है और हमें बदलाव के साथ हमें भी बदलना चाहिए इज आई फील बट इसी के साथ आप ट्रोलिंग आप ट्रोल तब होंगे जब आप असल में वैसा नहीं गा पाते हो आपको आप अगर गाओ तो अगर आप उतने ही सुर में गा रहे हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता आप यू नो आपके गाने ऑटो ऑटोट्यून हो थोड़े से अच्छे साउंड करें और ज्यादा अच्छे साउंड करें तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है बट अगर आप ये जमीन आसमान का फर्क लगेगा तो लोग आपको ट्रॉली करेंगे तो अगर सिंगर होने के नाते थोड़ा सो थो ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको रियाज करना चाहिए अगर आप उस उस प्लेटफॉर्म पे हो किस जॉनर को आप गाना पसंद करती हैं मैं सूफी गजल ठुमरी हाँ। यार एक सूफी या गजल तो हमारे सामने हो ही सकता है एक दो लाइन बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है क्योंकि हम लंबे टाइम से बात कर रहे हो मेरे को भी रियलाइज हुआ कि मैं एक सिंगर से बात कर रही हूँ <laughs> और मैंने मतलब सोशल मीडिया की टीम तो अलग है उसने काम करके चले गए वो बट हमारे सामने तो हुआ ही नहीं कोई गजल या सूफी तो एक दो लाइन कोई आपका फेवरेट जी मैं गाती हूँ

ते रब मने तो माने दिलदारने वाह लाइव हिट्स डिफरेंट मतलब सो लवली लिसनिंग लाइव इतना अच्छा लगता है Thank वो हिट अलग करता है आपको थैंक यू जी हाँ जी हाँ जी फिर म्यूजिक कैसे हुआ आपके साथ म्यूज़िक uh, मेरे जन्म के साथ ही हो गया था मुझे ऐसा हाँ। <laughs> जब मैं पेट में भी होंगी तो मेरी मम्मी ने uh, बहुत सारे गाने गज़लें सब सुनी हैं तो घर का माहौल पूरी तरह से म्यूज़िकल म्यूज़िक में भीगा हुआ कह सकते हैं uh, म्यूज़िक के अलावा कुछ और नहीं सोचा कि यार ये करना है नहीं नहीं कभी नहीं, हाँ। कभी, नहीं। हाँ। कभी नहीं हमेशा से म्यूज़िक करना था और इनफैक्ट हमारे घर में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी मानी जाती है कि आप पढ़ाई उतनी ही है लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं दिया पेरेंट्स ने कि आपको अगर मन नहीं है बट तो आप रियाज कर लो अगर आप आज स्कूल नहीं जा रहे हो तो आपको रियाज ज़रूर करना है तो इस तरह का माहौल <laughs> किसे देख कर इन्फ्लुंस हुई हैं आप आस पास uh, बहुत आर्टिस्ट हैं ऐसे uh, घर से ही शुरुआत करें तो मेरे भाई हैं बड़े भाई वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है uh, उनके जैसा गान गाने की कोशिश में लगी रहती हूँ उनसे सीखती हूँ हर दिन पापा मम्मी तो नाना जी मेरे वो मेरे गुरु हैं हाँ तो घर घर के ही घर से ही इतना कुछ मिल गया है उसके अलावा फिर अपने दोस्त जो अच्छा काम कर रहे हैं आ, बहुत सिंगर्स हैं काफ़ी सिंगर्स बहुत आर्टिस्ट हैं आप मुंबई से ही है ना वैसे ही है बॉर्न एंड बॉटअप इन मुंबई तो फिर आ, कभी ऐसा किसी ने रियलाइज करवाया यार तू अभी स्लो चल रही है या तो अभी नहीं चल रही है या फिर कभी रिप्लेस हुई है आप कभी किसी सॉन्ग से तो कभी किसी ने रियलाइज़ करवाया है Uh, हाँ ये तो uh, किसी ने मतलब बाहर वाले लोग तो क्या ही आपको uh, बोलेंगे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप आप कुछ कर रही है, नहीं कर रही बट हाँ uh, जैसे मेरे भाई हैं वो मेरे सपोर्ट uh, सिस्टम है और वो बहुत क्या uh, क्रिटिक क्रिक हैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ. मुझे कर क्या रही है तो जिंदगी में जाग जाग लाइक हाँ, मी <laughs> nice. मतलब पता होता है आपको कि अब आप क्या कर रही हैं और क्या करना है आगे जाकर जी जी बट कोई कई ऐसे सिंगर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज के डेट पे अगर उनको इस इंडस्ट्री में जगह बनानी है जी तो आप उनको क्या राय देती हैं अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपने रियाज में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपने आप को बेहतर ही बनाने की कोशिश करें बाकी हुँ. चीज़ें हो ही जाएंगी आप साथ ही साथ आप करिए कनेक्ट लोगों से सोशलाइज़ भी करिए लेकिन आपको अपने काम के लिए आपको ही माना जाएगा और उसी के लिए आपको काम भी मिलेगा तो वो बस वही वाली बात है तारे जमीन पर वाला एक डायलॉग है ना कि तारे जमीन पर का कही है शायद करते रहिए आप हाँ ऐसी कुछ है या करते रहिए रुकिए मत आप जी जैसा यार मेरा एक सवाल है पता है ये मेरा पर्सनल सवाल भी है प्लस मैं देखती हूँ कोरा वगैरह में भी कई जगह ऐसा सवाल पूछते लोग यदि सिंगर्स के पे स्किल कम होते हैं या कभी कभार उनको जितना वो डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिलता ऐसा कुछ है अभी का जो दौर है इसमें मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी छुप सकते हैं सोशल मीडिया आ गया है आपके पास इतना बड़ा हथियार है आपके पास फोन है जी जी अगर आपका कोई भी आप अपना कंटेंट आप खुद रिलीज कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता आज के दौर में ये मुश्किल है पहले जरूर होगा पहले तो सिर्फ स्टूडियो और घर और स्टूडियो का ही रास्ता सिंगर्स को पता होता था है हाँ। ना लाइव शोज भी बहुत होते थे बट बट hmm. ये आज के दौर में तो सभी मतलब आपने कुछ वीडियो शूट किया बनाया गा लिया और अपने डाल दिया कब आपका गाना कितना हिट हो जाए बिल्कुल तो आपको नहीं पता तो ये बहुत ही बहुत ही कमाल का दौर है इस जिस दौर में हम जी रहे हैं फॉर एन आर्टिस्ट फॉर अ सिंगर फॉर एनी बॉडी लाइक फॉर अ डांसर एनी आर्टिस्ट सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल सिंगर्स के लाइफ में अभी तो बहुत अहम है लेकिन आ, ऐसा नहीं है कि जो आर्टिस्ट पूरी तरह से सोशल मीडिया पर हैं वही जादू बिखेरते हैं ऐसा भी नहीं है जो बिल्कुल है ना आप समझ रहे हैं मैं मैं क्या कहना रही रही समझ मैं रेखा रेखा मैम मैम से बात कर थी तो रेखा ने भी मुझे यही कहा था कि जया पता है मैं सोशल मीडिया के बारे में जानती नहीं ज्यादा मेरे मेरे तो ये बच्चे मेरे, दोनों ये तो कर देते हैं जो थाल लेते हैं बस मुझे सोशल मीडिया पता ही नहीं चलता बट मुझे मुझे फील होता है कि मैं कहीं पीछे जा रही हूँ आपके पास इतने नंबर्स हैं तो आपको लोग जानते हैं अगर आपके पास इतने कम नंबर्स हैं तो लोग आपको नहीं जानते तो आपके केस में भी ऐसा कुछ है Uh, नहीं अभी अभी मेरे हार्डली बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं अभी इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रहे हैं लेकिन अब uh, मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया है मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिलों तक मेरी आवाज़ इतने लोगों तक पहुंच रही है तो ये मुझे लगता है वो इम्पॉर्टेंट है बट इतना नहीं है कि एन आर्टिस्ट मेरे लिए वो इतना मायने नहीं रखता नहीं क्योंकि के आपके कितने किया जाता है लोग, लोग करते हैं बिल्कुल वो भी वही करते हैं जो लोग आम पुब्लिक पुब्लिक या होंगी वही करेंगे बाकी आप इंडस्ट्री में या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर सिंगर है जिसके साथ या जिसके लिए गाना है आपको जी मैं अरिजीत सिंह के साथ गाना चाहूंगी वो अभी

बहुत सारे हैं बहुत सारे कंपोजर फेवरेट हैं रहमान साहब हैं फिर सलीम सुलेमान जी हैं आ, अभी जो फ़िलहाल बहुत वक्त से उनका बहुत ही कमाल मिर्जी का अनुराग साई किया उनके साथ मुझे काम करना अरे जी 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 मैं पूछना चाहूँगी इसमें वैसे हमें तो एक्टर्स का पता होता है डायरेक्टर्स का पता होता है प्रोसेस सिंगर्स का जनरली नहीं पता होता है हमें कि उनका क्या प्रोसेस होता है अप्रोच करने का अगर उनको कोई काम चाहिए या काम करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्रोच करते हैं अपने काम वो अपने काम को uh, बहुत सारे तरीक़े हैं अपने वॉइस uh, रिकॉर्ड करके और फिर वो स्टूडियो में या म्यूज़िक uh, डायरेक्टर्स को मेल कर सकते हैं या यू you नो know, अपनी आवाज़ आज आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो तो डी भी कर सकते हैं अपने वॉइस नोट्स भेज सकते हैं इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जी ये इतना आसान नहीं इतना मुश्किल नहीं है हाँ। जी बट सेलेक्ट भी तो सबका नहीं होता ना हाँ जी हाँ जी ये कई तो लोग है, हैं कि दस साल तक स्ट्रगल कर रहे स्ट्रगल कर रहे होते हैं हाँ तो उनको सिलेक्शन नहीं हुआ जी तो ऐसे इसमें उनको कोशिश तो करते रहनी चाहिए और आ, मैं तो यही कहूंगी कि जो पुराना पुराने दौर में जो फॉर्मूला होता था कि आप जाकर मिलिए आपको मिलना चाहिए और आपको हर जगह अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में या यू नो स्टूडियोज जाकर मिलना चाहिए कुछ चीज़ें तो ज़रूर काम आएंगी कर जी हीरा मंडी से और क्या क्या चेंज हुआ है आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं क्योंकि आ, अभी मैं बिज़ी हो गई हूँ फिलहाल तो यही चल रहा है इंटरव्यूज़ चल रहे हैं बहुत सारे और रोज़ कुछ ना कुछ कर रही हूँ रोज़ तैयार हो रही हूँ कहीं निकल रही हूँ क्या कर क्या क्या आने वाला है अभी आने वक्त में आने वक्त में मैं अपनी कुछ सिंगल्स पर काम कर रही हूँ वो उसके शूट्स हो रहे हैं फिर आ, कुछ गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं जो फिल्म्स के हैं वो भी आई एम श्योर जल्दी आएंगे बाहर तो इस तरह से अपने ओरिजिनल्स पे भी काम कर रही हूँ अपने म्यूज़िक वीडियो पे काम कर रही हूँ जी संजलिया भंसाली अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको सर आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपके लिए शब्द नहीं होते मेरे मेरे पास आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी एंड आई लव यू और आगे कहाँ कहाँ हम आपको सुन पाएंगे आने वाले वक्त में मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आ, सभी लोगों के प्लेलिस्ट में, में मेरा गाना ज़रूर होगा कोई ना कोई गाना तो ज़रूर होगा फिलहाल तो आपके प्ले लिस्ट में कौन से गाने हैं हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है मैं बड़ा अलग तरह के गाने सुनती हूँ मैं यू नो इकबाल बानो जी को सुनती हूँ बहुत मैं आ, फरीदा खानम जी को सुनती हूँ मैं गज़लें बहुत सुनती हूँ और मैं आ, मूड पे डिपेंड करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम एन टू वो उस एरा में रहती हूँ जी आ, फरीदा खानम और रेशमा जी को मैं बहुत सुनती हूँ मुझे बड़ी सुकून देती है उनकी आवाज़ उनकी गज़लें कुछ बहुत अच्छी हैं जैसे लंबी जुदाई कैसा है गाना हाँ। उस तरह के गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जब सैड तो अपने गाने सुनते हो या फिर बाकी के गाने सुनते हो मैं अपना अपने गाने नहीं सुनती हूँ मैं नहीं सुन सकती अपने गाने आ, 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 मैंने कभी गाने के बाद अपने आप को सुनना मुझे पसंद नहीं है पता नहीं क्यों मोस्टली होता है तो uh, मुझे गाते वक्त अच्छा लगता है जब मैं गाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बट मैं उसको फिर रिवाइंड करके नहीं सुनूंगी कभी और आप जब ऐसे बहुत खुश होते हो अच्छे जोन में होते तब कौन को किस किस टाइप तब तो मैं एकदम प्रॉपर ऐसे बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग सुनती हूँ एकदम बर्फ़ी के गाने किस तरह के क्यों ना हम तुम इस तरह के ना फिर मैं कार में बैठी हूँ मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के लाइट गाने

और बड़े कमाल के इंसान है क्या हो रहा है उनका और बस उनको देखते ही मैं तो ऐसे खुश हूँ उनकी स्माइल उन्होंने मुझे घर बुलाया था और हमारी काफ़ी लंबी बातें हुई बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़ा फैन मैं उस, उस उनसे मिलने के दो तीन घंटे बाद तक भी ऐसे ब्लश कर रही थी क्या क्या कहा उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत ये कहा कि बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा मुझे ये दिख रहा है hmm. ये मुझे उन्होंने टू में बोला था Uh, उसके बाद uh, सच में अच्छा उन्होंने ये कहा भी था कि दो तीन स, तीन साल के बाद तुम देखना अपनी लाइफ और ये कुछ हो रहा है जो मैजिकल है hmm. uh, और उनके अलावा कोई और फैन गर्ल वोमेंट uh, सदगुरु कह सकते हैं मैं सगी सदगुरु जगी वासु उनके लिए मैं उनके लिए मैंने बहुत गाया है साउंड जफीशाह का एक oh, मैं हिस्सा रही हूँ फॉर एवरी ईयर मैं महाशिवरात्रि पर गई हूँ तो फैन गर्ल नहीं कह सकते हैं लेकिन वो एक गुरु शिष्य का उनसे मेरा रिश्ता है

आप लोगों ने मुझे एक बार नहीं हज़ार बार सुन लिया है और अब आप देखेंगे भी मुझे बॉलीवुड नाव पर